बहुत दिनों की बात है, तीन मछलियां खूबसूरत तालाब में रहती थीं। वो सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे पूरा दिन तालाब में तैरते हुए अपना समय खुशी खुशी बिताते थे। और वो अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे जो पास के गांव से बहकर आते थे। दो मछुआरों ने तालाब के पास से गुजरते हुए मछलियों को देखा। वो देखो, अगर ये सारी की सारी मछलियाँ तालाब के ऊपर आ जाएं तो मेरे ख्याल से इस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियाँ होंगी। चलो कल वापस आते हैं अपने जालों के साथ और मछलियाँ पकड़ेंगे जितनी मर्जी चाहे। ये बड़ा अच्छा सुझाव है, हम इन मछलियों को बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, हम कितने किस्मत वाले हैं। चलो चलते हैं। जब तीनों मछलियों ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। मुझे लगता है हम लोग को तालाब जल्दी छोड़ना चाहिए, तुम क्या सोचते हो? तीसरी मछली जो अभी तक चुप थी उसने कहा, नहीं, मैं इस तालाब से नहीं जाऊंगा। मेरा परिवार बहुत सालों से यहाँ पर रहता है और मैं ये भी चाहूंगा मेरा बच्चा इस तालाब में ही रहकर बड़ा हो। अच्छा, लेकिन मैं चला जाऊंगा, तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि मैं रहना चाहूंगा, और क्या। ठीक है, फिर मजे करो, मैं जा रहा हूँ। और वो मछली तालाब छोड़कर छोटे से झरने से दूसरे झील में चली गई। अब इस तालाब में सिर्फ दो दोस्त मछलियां रह गईं। दूसरे दिन सुबह दो मछुआरे बड़ा सा जाल लेकर तालाब में पहुंच गए। दोनों मछुआरे आगे बढ़े और उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और सभी मछलियां फंस गईं। पहला दोस्त छटपटाने लगा जब वो पानी से बाहर आया। दूसरा दोस्त चुपचाप पड़ा रहा और वो हिला भी नहीं। ऐसे लगा जैसे वो मर गया हो। जब मछुआरे ने उसे देखा तो उसे उठाया। उसे लगा वो मर गया है। ओह, मरी हुई मछली, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। और उसे वापस तालाब में फेंक दिया। इस तरह मछुआरे ने दोनों दोस्तों में से एक को बाकी मछलियों के साथ तालाब से पकड़ लिया। दूसरा दोस्त अपना तेज दिमाग लगाकर मछुआरे से बच निकला। भाग्य हमेशा होशियार का साथ देता है।